चलिए नमस्कार। हम लोग बात करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की। बैडमिंटन का कोर्ट बनता है, एक ही कोर्ट रहता है, खेलते हैं दो तरीके से, सिंगल्स और डबल्स खेलते हैं। डबल्स के लिए हो जाता है 44x20 फीट और सिंगल्स के लिए हो जाता है 44x17। तो सबसे पहले आप एक कोई बेस लाइन पे खींचते हैं 44 फीट का, उसके बाद उधर ऊपर या नीचे की तरफ 20 फीट का लाइन खींचते हैं और फिर एक आयताकार एक कोर्ट बन जाता है। उस आयताकार कोर्ट में जो कोर्ट होता है उस कोर्ट से इधर और इस कोर्ट से इधर 22 फीट इधर 22 फीट उधर हो जाता है। अब उस कोर्ट से पहली जो रेखा होती है 6.5 फीट की, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्विस लाइन एरिया, यानी शॉर्ट सर्विस लाइन एरिया ये होता है। और उसके बाद से 13 फीट होता है जो पीछे की लाइन की तरफ आता है, जो सिंगल्स और डबल्स की लाइन बनी होती है। अंदर वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, डबल्स सर्विस फॉर डबल्स लाइन के लिए, डबल्स के लिए। और जो पीछे वाली लाइन होती है वो कहलाती है सर्विस लाइन एरिया फॉर सिंगल्स के लिए। ये सर्विस लाइन एरिया फॉर डबल्स और सर्विस लाइन एरिया फॉर सिंगल। तो ये हो गया। फिर 22x22 अब वो जो 13 फीट का जो खींचते हैं वो क्या करता है, कोर्ट को दो में बांट देता है, राइट और लेफ्ट। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे राइट और लेफ्ट दो हो जाता है। अब क्या करते हैं, हमेशा सर्विस हमेशा राइट से शुरू किया जाता है। जब भी सर्विस हम शुरू करेंगे राइट कोर्ट की तरफ से शुरू करेंगे और सर्विस हमेशा राइट से करते हैं तो राइट की तरफ ही जाना चाहिए, उस राइट कोर्ट की तरफ ही जाना चाहिए। अगर उस राइट कोर्ट के साइड लाइन के उधर या सिंगल सर्विस लाइन एरिया जो उसके बाहर जाता है तो वो क्या माना जाएगा, आउट माना जाएगा और बच्ची को पॉइंट दिया जाएगा, उसका सर्विस भी चेंज हो जाएगा। फिर जैसे हमारा एक पॉइंट बन जाता है तो हम तुरंत लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं, लेफ्ट कोर्ट की तरफ। और लेफ्ट कोर्ट से भी तब लेफ्ट कोर्ट की तरफ करते हैं, लेफ्ट कोर्ट की तरफ करते हैं तो लेफ्ट की तरफ ही जाना चाहिए, सर्विस उसी तरफ जानी चाहिए जिस तरफ से हम करते हैं। उसके बाद आपको इस मैच से ड्राफ्ट कहीं भी कर सकते हैं, आप लेफ्ट के पास भी कर सकते हैं, सिंगल या डबल लाइन जो आपकी बनी होती है उसके पास कर सकते हैं, कहीं भी आप गिरा सकते हैं उसको, इस मैच से ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये सब कोर्ट जिसका मेजरिंगमेंट हो गया 6.5, पहला हो गया शॉर्ट सर्विस लाइन एरिया, फिर हो गया आपका कोर्ट हो गया, फिर हो गया ये देखिए साइड लाइन होती है, साइड लाइन का डबल से बार बनी होती है और साइड लाइन का सिंगल के लिए, यानी 1.5 फीट कम हो जाता है, 1.5 इधर 1.5 जो गली बन जाती है वो सिंगल्स के लिए हो जाती है। अंदर वाली लाइन सिंगल्स के लिए मान ली जाती है और बाहर वाली जो लाइन होती है जब डबल खेलते हैं तो मान हो जाती है। तो ये तो हो गया कोर्ट। अब हम इसका बात करते हैं शटल कॉर्क की। ये देखिए शटल कॉर्क जो बना हुआ है इसकी मेजरिंग यानी क्या होती है, इसका मेजरमेंट कितना कैसे क्या होता है। ये जो होता है जो हमारा शटल होता है उसका वेट जो होता है 4.70 से लेकर 5.50 ग्राम तक, इतने वजन का वो शटल कॉक हो सकता है। आप जो शटल कॉक हमने लिखा शटल वेट उतना। अब उसकी लेंथ यानी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, हमने बनाया है ये जो आपकी लेंथ है पूरी पूरी, ये लेंथ जिसकी चौड़ाई होती है ऊपर 16 पंखुड़ियों का बना हुआ होता है और जिसकी लंबाई है ऊपर वाली चौड़ाई होती फिट होती है तो वो 58 से लेकर 68 mm तक। और ये पंख जो आपके हार्ट यानी कि लेदर से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पंखुड़ी वाला हिस्सा था उसकी लेंथ होती है 62 से 70 mm तक। उसके बाद जो लेदर वाला पार्ट होता है हार्ड, उस लेदर हार्ड में आप देखोगे किसी पट्टी टाइप में उसका हार्ड वो क्या होता है और वो जो होता है उसके बाद वो लेदर जो होता है उसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है 25 से लेकर 28 mm तक। और फिर वही इसकी लेदर की चौड़ाई होती है वो भी 25 से लेकर 28 mm तक होती है। तो ये हो गया आपके शटल यानी कॉक का मेजरमेंट। अब हम बात करते हैं रैकेट। आपने देखा रैकेट बना हुआ है, इस रैकेट को तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है। इस वाले हिस्से को जिसमें हमारा नेट यानी कि जाल लगा होता है उसको बोलते हैं हेड एरिया, और जो यहाँ से यहाँ तक होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट एरिया, और उसके बाद यहाँ पर हम पकड़ते हैं यानी हैंडल यानी ग्रिप जिसको बोलते हैं, ये आपका हैंडल या ग्रिप हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 24 सेंटीमीटर से लेकर 32 सेंटीमीटर यानी कि 240 mm से लेकर 2
90 तक हो सकता है, इतना लंबा हो सकता है। वहीं इसकी चौड़ाई अगर देखें तो 200 mm से लेकर 230 mm तक, यानी कि 20 सेंटीमीटर से लेकर 23 सेंटीमीटर तक ये चौड़ा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये पूरे लेंथ की लंबाई अगर हम बात करते हैं तो 240 और यहां से यहां तक जो बचा सांप और गृह जोड़ के 430 सेंटीमीटर, अगर हम जोड़ते तो आता है 2670 mm, यानी कि 67 से लेकर हमने लिख दिया 670 से लेकर 680, यानी कि 67 से 68 सेंटीमीटर, 670 से 680 mm तक हो सकता है पूरी लेंथ इसकी लंबाई, इससे छोटा है बड़ा नहीं हो सकता। जो इंटरनेशनल मारे में बता रहा हूँ, ये मेजर हो गया आपके बैडमिंटन का, इतना लंबा चौड़ा होना चाहिए। वजन अलग अलग लोग अपना इस्तेमाल करते हैं, कोई 80 ग्राम का इस्तेमाल करता है, कोई 90 ग्राम का, कोई 84 ग्राम का, कोई 100 ग्राम का। आपने नाम सुना होगा 2016 के जो ओलंपिक गेम हुए जिसमें आपकी भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु हारी, स्पेन की खिलाड़ी थी कैरोलिना मरी, जिसके शटल का जो वजन था रैकेट का, उसके जो वजन था वो रैकेट के वजन था उसका 84 ग्राम, यानी उसने अपने जो शटल का उपयोग किया था मतलब रैकेट को, उसके रैकेट का वजन 84 ग्राम का वजन था उसके रैकेट का वजन। अब वो अपने अपने में पता नहीं कोई 84 ग्राम, कोई 90 ग्राम, कोई 100 ग्राम के अपने रैकेट से खेलता है, कोई का फिक्स एक मानक नहीं है कि हाँ इतने 84 ग्राम का ही 80 ग्राम का ही हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता, 100 ग्राम तक मैक्सिमम जाता है और फिर 80 से नीचे नहीं आता, क्योंकि ज्यादा नीचे कम हो जाने पर भी प्रॉब्लम हो सकती है और ज्यादा ऊपर भी जाने पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए 80 से लेकर 100 ग्राम के बीच में भी किसी एक वजन का अपना रैकेट इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट, हमने बताया हमेशा राइट कोर्ट से ही शुरू किया जाता है, जब भी हम किसी कोर्ट में खड़े होंगे तो हम राइट कोर्ट से ही सर्विस शुरू करते हैं, और जब पहला पॉइंट बढ़ता तो हम अपने कोर्ट को चेंज करते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं। जैसे जैसे हमारा पॉइंट बनता जाता है तब हम सर्विस हमारी तब तक हमारी सर्विस बनी रहती है। अगर कोई भी व्यक्ति पहले 21 पॉइंट बना लेता है तो वो विनर माना जाता है, विपक्षी का पॉइंट 19 से ज्यादा ना हो, 20 21 हो गया अगर तो वो विनर नहीं माना जाएगा, जब तक दो का डिफरेंस ना मिले, 2 पॉइंट का डिफरेंस जब तक ना मिले तब तक वो अंतर नहीं माना जाएगा। किंतु एक इसकी सीमा है, अगर 29 और 29 हो गया पॉइंट तो जिसका भी फाइनल 30 हो जाएगा वो खिलाड़ी विजयी मान लिया जाएगा, अर्थात विनर हो जाएगा, इसके ऊपर पॉइंट नहीं जाएगा। और अगर उससे पहले कहीं पर भी हमको 2 का डिफरेंस मिल गया है, 21 पर मिले 19-21 हो गया या 25-27 हो गया, तब भी हम विनर हो जाएंगे। अगर 29-29 हो गया उसमें जो सबसे पहले 30 यानी 21वां पॉइंट बना लेगा वो विनर मान लिया जाएगा और वहीं पर वो मैच समाप्त हो जाता है। और कभी भी आपने मैच देखा होगा तो जो सीरीज होती है वो हमेशा 8 नंबर में होती है, यानी 3 मैचों की, 5 मैचों की, 7 मैचों की, 9 मैचों की, इस तरीके से सीरीज होती है। आपने देखा ओलंपिक में 3 मैचों की सीरीज थी जिसमें पहला स्पेन की खिलाड़ी जीती थी कैरोलिना मरिन, दूसरा भारतीय खिलाड़ी आती थी सिंधु जीती और तीसरा फिर स्पेन वाली खिलाड़ी जीत गई, अर्थात वो ओलंपिक विनर हो गई, यानी 3 सीरीजों में उसने 2-1 से विजय प्राप्त कर लिया, अर्थात वो विनर हो गई, ओलंपिक की विजेता हो गई, गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया उसने। इस तरीके से इसका पॉइंट बनता 30 से ऊपर नहीं जाता है, 30 अगर 29-29 का गेम हो गया है इक्वल तो 30 जिसने भी पहले बना लिया वो विनर मान लिया जाता है। ये था पूरे बैडमिंटन का मेजरमेंट और कोर्ट कौन कौन से सामान इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इक्विपमेंट, नेट कितनी ऊंचाई पर बना होता है, 5 फीट 1 इंच ऊंचाई पर बना होता है, 20 ग्राम नापेंगे मेजरिंग तो थोड़ा झोल होता है दबता है वहां पे, तो आप 5 फीट का पोल से पोल गाड़ेंगे, 5 फीट 1 इंच का, 5 फीट 2 इंच पर अपना पोल गाड़ा होता है। तो ये हो गया अपने बैडमिंटन का कोर्ट। थैंक यू, धन्यवाद।